अब्बास अंसारी कासगंज जेल से गाजीपुर आ रहा है, कासगंज जेल से गाजीपुर जेल पहुंच चुका है। यही बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब्बास अंसारी गाजीपुर जेल पहुंचा, मुख्तार के फातिहा में शामिल होगा अब्बास अंसारी। अब्बास को 3 दिन की कस्टडी पेरोल मिली है, 3 दिनों तक गाजीपुर जेल में रहेगा अब्बास अंसारी। 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लौटना होगा, लेकिन उससे पहले आज, कल और परसों, ये वो 3 दिन हैं जो अब्बास अंसारी के पास हैं कासगंज जेल से दूर गाजीपुर जेल में रहने के। इन 3 दिनों में घर परिवार के कार्यक्रम में शिरकत करेगा। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने दिया जाए, जिस पर 3 दिन की पैरोल मिली है। बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से 3 दिनों की कस्टडी पैरोल मिली है, और कस्टडी पैरोल मिलने के बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से गाजीपुर जेल लाया गया है, जहां पर वो 3 दिनों तक रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के फातिहा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी को ये कस्टडी पैरोल दी है। आज गाजीपुर जेल से अब्बास अंसारी मोहम्मदाबाद ले जाया जाएगा, जहां वो मुख्तार की कब्र पर फातिहा कार्यक्रम में शामिल होगा, जिसके बाद उसे वापस गाजीपुर जेल लाया जाएगा। और रात में वो गाजीपुर जेल में ही रहेगा, कल भी वो गाजीपुर जेल में रहेगा और परसों भी गाजीपुर जेल में रहेगा। 3 दिनों के बाद कस्टडी पैरोल खत्म होने पर अब्बास अंसारी को वापस कासगंज जेल ले जाया जाएगा। मनीष मिश्रा, News18 गाजीपुर। तो मेरे सहयोगी की आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, देखिए गाजीपुर जेल पहुंच चुका है, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गाजीपुर जेल पहुंचा है अब्बास अंसारी, घर परिवार में जो 3 दिन, आगामी 3 दिन, आज कल परसों और जो कार्यक्रम होने वाले हैं, उन कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पेरोल मिली है। कासगंज जेल से गाजीपुर जेल पहुंचा हुआ अब्बास अंसारी पिता के कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ेगा। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस पर विस्तृत जानकारी के साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, आज, कल और परसों, ये वो 3 दिन हैं जो अब्बास अंसारी गाजीपुर जेल में बिताएगा। एक बार आपसे ना पूरे मामले के ऊपर एक एक अपडेट के साथ विश्लेषण लेना चाहेंगे। आज, कल और 3 दिन जो ये रहने वाला है, इस पर सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी रहने वाली है, घर परिवार में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं जिनमें वो शिरकत करने वाला है, क्योंकि 3 दिन के बाद कासगंज जेल में वापसी हो जाएगी। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरों के जरिए आपको इस पूरे मामले पे अपडेट देता हूँ। एक एक तथ्य हम News18 के दर्शकों को बताते हैं, ये है जिला कारागार गाजीपुर, जहाँ पर अब फिलहाल अब्बास अंसारी पहुँच चुका है। अब्बास अंसारी 3 दिन यहाँ रहेगा, कस्टडी पैरोल है, और आज जो मुख्य कार्यक्रम है जिसके लिए पैरोल मिली है वो है फातिहा। आज मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ा जाना है, और खुद उसका बड़ा बेटा अब्बास अंसारी ने यही गुहार लगाई थी कि उसको भी उसके पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने दिया जाए, जिसके बाद 3 दिन की कस्टडी पैरोल मिली है। और फिलहाल अब हमको तस्वीरों में ही दिखाते हैं, ये सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ से, अब जो भी अंदर जा रहा है उसको सुरक्षा के बाद ही, यहाँ पर चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। 3 दिन की फातिहा, खास बात यह है कि बैरिक नंबर 10 में अब्बास अंसारी को रखा गया है। बैरिक नंबर 10 पूरे, अगर आप गाजीपुर जेल की बात करें तो ये मशहूर थी कि ये अंसारी बैरिक है, क्योंकि यहीं पर पिछले दिनों अफजाल अंसारी, जो उनके ताऊ हैं और गाजीपुर से सांसद भी हैं, तो उनको भी इसी में रखा गया था। हालांकि अब वो छूट गए हैं, वो बाहर हैं, तो बैरिक नंबर 10 पे ही रखा। और कहा जाता है कभी मुख्तार अंसारी भी जब गाजीपुर जेल में बंद था तो मुख्तार अंसारी को भी बैरिक नंबर 10 में ही रखा गया था। तो बैरिक नंबर 10 में इस वक्त अब्बास अंसारी हैं, और कुछ देर बाद यहाँ से फातिहा पढ़ने के लिए वो मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान जाएंगे, जहाँ पर अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे। खास बात यह है कि 3 दिन की पैरोल है, यहाँ से सुरक्षा व्यवस्था में उनको मोहम्मदाबाद के कालीबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ ले जाया जाएगा। और कल का भी, चूंकि 3 दिन की पैरोल मिली है, तो ऐसे में जो आज का जिक्र है पूरी पैरोल में वो है फातिहा का। उपेंद्र, आपने आज बता दिया कि आज फातिहा पढ़ी जानी है और अपने पिता की कब्र पर जाएगा अब्बास अंसारी और वहां पर फातिहा पढ़ेगा। कल और परसों क्या होने वाला है, क्योंकि ये 3 दिन वो अपने परिवार के साथ बिताने वाला है, हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच में। इससे पहले परिवार के लोगों ने ये इसकी मांग से पहले मांग की थी कि इनके बेटे को फातिहा पर आने दिया जाए, जिस पर अब फैसला इनके हक में दिया गया, 3 दिन की पेरोल मिल गई। कल और परसों क्या कार्यक्रम होंगे जिसके लिए पेरोल दी गई है?
देखिए फिलहाल अभी आज पैरोल में जिस बात का जिक्र था वो फातिया का था, जो आज पढ़ी जानी है, फातिया पढ़ी जानी है। इसके बाद कल भी कुछ कार्यक्रम है, उनके परिवार में जब किसी की भी डेथ हो जाती है तो उससे जुड़े कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो जो मुख्य कार्यक्रम है वो फातिया का है जो अभी शाम को पढ़ी जानी है, क्योंकि दोपहर के बाद आमतौर पर फातिया शाम को पढ़ी जाती है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद करीब 1 बजे के आसपास अब्बास अंसारी को यहाँ से ले जाया जाएगा और मोहम्मदाबाद कब्रिस्तान, कालीबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और वहाँ पर फातिया पढ़ी जाएगी। फातिया पढ़ने के बाद वापस फिर एक बार अब्बास अंसारी को यहीं गाजीपुर जेल लाया जाएगा और उसके बाद फिर प्रशासन की परिवार से बात होगी। जो घर परिवार के कार्यक्रम संपन्न होंगे चाक चौबंद सुरक्षा के बीच में। अब्बास अंसारी को 3